हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो एक्सक्लूसिव, बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो है वो केवल यूट्यूब के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं उनके लिए है। वीडियो हमारा किससे संबंधित है? अभी आपको पता है कि आपके एग्जाम की डेट आई है 12 अप्रैल, ठीक है? ये आपके जो है वो एग्जाम की डेट है। अगर हम लोग अपनी तैयारी को आरंभ करना चाहें या तैयारी का आरंभ करें कि हम कैसे इतने दिनों में अपने आप को जो है इस एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे, विश्लेषणों के द्वारा अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास दिन, अगर हम देखें तो कितने दिन बचे हैं हमारे पास, तकरीबन 42 डेज, ठीक है? लगभग लगभग इतने दिन ही हमारे पास बच रहे हैं अभी हमारी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए। तो आज हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये जो वीडियो आपका चल रहा है, ये बेसिकली फोकस्ड है 42 दिवसीय, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, शिक्षण कार्यक्रम, ठीक है? यानी कि 42 दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम। इसको हमने शिक्षण का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे शिक्षण में ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने से पढ़ेंगे तो ही आप इसमें कंटिन्यू होंगे। बहुत सारे प्रोसेस से या बहुत सारी टेक्नोलॉजी से, बहुत सारी तकनीकी से आप अदर जगहों से जो है वो सोर्सेस को अपने पास लेंगे। यानी कि आप किसी के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोचिंग में भी जा रहे होंगे, किसी किताब को भी फॉलो करेंगे, आप किसी से गाइडेंस भी लेंगे, आप मेरे जैसे लोगों से भी जुड़े हुए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हर वो तत्व जो हमारे इस प्रिपरेशन को आगे लेकर के चलेगा, हमारे समायोजन में सहायक होगा और हमें एक सिस्टमेटिक यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो आपको जो है वो क्रमबद्ध रूप से जो है आपकी तैयारी के लिए सहायक होगा। इस तरीके के सभी जो हमारे जितने भी तत्व हैं उन सबको हम लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखेंगे। अब ये हमने देख लिया कि हमारे 12 अप्रैल को ये एग्जाम है और तकरीबन जो है वो 42 दिन हमारे पास बचे हैं, यानी कि 31 दिन आपके अगर मैं लेके चलूँ तो मार्च के हैं और आगे अगर हम चलें तो 11 दिन हमारे पास अप्रैल का आता है, 12वें दिन तो आपका पेपर ही है। तो 42 डेज को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करें? हम लोग अगर बात करते हैं, आपके अगर मैं बात करती हूँ तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष, ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं, तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्ष। मैंने अभी एक दिन क्लास में एक बच्चे को बोला था कि तृतीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी करने आए हो क्या? तो उसने मुझे बोला, मैम ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, आप तो बोला करो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन बनने आए हो क्या। तो ठीक है, जो लोग इस सेंस में समझते हैं उनके लिए थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, इसके एग्जाम के लिए हम लोग चलते हैं। अब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है? इस एग्जाम के जो है वो दो पार्ट्स किए गए हैं। एक पार्ट आपका है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड और दूसरा पार्ट आपका है विषय संबंधी ज्ञान, ठीक है? इसके दो पार्ट दिए गए हैं जिसमें आपके जो है पहला भाग जो है वो सामान्य ज्ञान का है, दूसरा विषय संबंधी ज्ञान। अब जो सामान्य ज्ञान है इसके भी दो पार्ट, यानी कि सामान्य ज्ञान में दो तथ्यों की प्रधानता दी गई है, राजस्थान राजस्थान को पढ़ना है आपको, इसमें इतिहास कला एवं संस्कृति, ठीक है? पहला भाग हमारा है राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति। दूसरे भाग में जाते हैं तो दूसरा भाग है हमारा राजस्थान का भूगोल,
अर्थात राजस्थान के सामान्य ज्ञान में दो भागों पर ही आपको फोकस डालना है, राजस्थान का इतिहास, कला तथा संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जितने भी लोग थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, आप में से अधिकांश विद्यार्थी जो है जो 29 तारीख को 29 अप्रैल को सेकेंड ग्रेड का एग्जाम होगा, आप उसमें भी सम्मिलित होने वाले हैं। तो जो हम यहाँ पे जिस तरीके की प्रिपरेशन या जो रिवीजन कर रहे हैं, इस रिवीजन को हम लोग अपने सेकेंड ग्रेड के लिए भी फलीभूत मानते हैं, अर्थात ये आपका पूरे से पूरे तरीके से जो है वो वहां पे प्रयोग में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल ये एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपको सेकेंड ग्रेड के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करनी होगी, ऐसा नहीं है, ये पूरा आपके प्रयोग में आएगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उनके लिए अलग से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं। अब इन दोनों पार्ट्स की बात करते हैं तो इन दोनों पार्ट से हमारे पास कितने प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हमारे इस पार्ट से आते हैं। आगे हम आते हैं विषय संबंधी हमारा ज्ञान। विषय संबंधी ज्ञान में भी इसके दो पार्ट किए गए हैं। एक हमारा विषय है पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान। और चूंकि पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान जब हमने ये लिख दिया तो इस सूचना विज्ञान के अंदर ही हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट आता है, लेकिन हम ठहरे थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले, डिग्री यूं ही लेकर के आने वाले, हम इसको क्या कहते हैं कि पुस्तकालय की तैयारी अलग है और कंप्यूटर की तैयारी अलग है, ठीक है। तो आपको जैसे सहूलियत लगती है, आप जैसे समझना चाहते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ये अगर विषय को भी देखें तो विषय भी हमारा पुस्तकालय से संबंधित चार हमारे यूनिट्स हैं और कंप्यूटर से संबंधित यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एवं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये पार्ट हमारा दूसरा है। जो हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, इस पार्ट से कितने हमारा ये जो विषय संबंधी ज्ञान है इससे कितने प्रश्न आते हैं, हमारे पास 100 प्रश्न आते हैं। अब कुल मिला करके हम इन दोनों को जोड़े तो इन दोनों यूनिट से हमारे पास 150 प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसके लिए 3 घंटे का समय जो है वो निर्धारित होता है। तो इस 3 घंटे में हम 150 प्रश्न किस तरीके से करेंगे, आज कल से यानी कि 1 मार्च से हमारी ऐसी 42 दिनों तक क्या स्ट्रेटजी हो कि हम 150 क्वेश्चंस को जो है वो इजीली कर पाएं, समझ पाएं और हम अपने रिवीजन को भी कंटिन्यू कर पाएं, ठीक है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बेसिकली आपका कोर्स है क्या। अब हम स्ट्रेटजीज पे बात करते हैं, स्ट्रेटजीज हमारी क्या होनी चाहिए इन 42 दिनों के भीतर। मैं जो स्ट्रेटजी बना रही हूँ इसको आप लोग एक पेपर पेन लीजिएगा, बनाइएगा और अगर घर के अंदर आपके पास कहीं पर भी एक नोटिस बोर्ड आपने लगा रखा है या कहीं पर भी आप डेली जो है वो उसको देखते हैं, कुछ रिवीजन के लिए टांगते हैं, सूचना पट्ट जैसा कुछ बना रखे हैं, तो आप उसके अंदर इसको डाल सकते हैं कि हम कैसे इसकी तैयारी करेंगे। हम 2 पार्ट में जो है अपनी तैयारी को विभाजित करेंगे। आपको पता है हर किसी के पास कितने होते हैं, 1 दिन के अंदर इक्वल्स टू 24 घंटा, है ना, यही होता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। लेकिन हम इस अपने 42 दिनों के कार्यक्रम में अपने पास क्या निकालेंगे, 8 घंटा। तो आप खूब आराम से 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, आप 8 घंटे की नौकरी कीजिए, 8 घंटे किसी कोचिंग में जा रहे हैं, आप 8 घंटे किसी कोचिंग में जाइए, 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए आप, उन सब के बाद आपको 8 घंटा इस कार्यक्रम के लिए निकालना है। इस 8 घंटे में भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम अगेन जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, 8 घंटा हमारा किस लिए होगा, 8 घंटे में से 4 घंटा जो है वो जीके के लिए निकालो आप, ठीक है, 3 घंटा जो है आप निकालिए लाइब्रेरी के लिए
और 1 घंटा निकालिए आप टेस्ट के लिए, ठीक है? इस 8 घंटे को आप डिवाइड कीजिए। अब जरूरी नहीं है कि ये 8 घंटे जो है वो आपके लगातार दिए जाएं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, या ऐसा कोई फोर्स आपके ऊपर नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपकी क्रियाशीलता के अनुसार, आपकी कार्यशैली के अनुसार, आप इन 8 घंटों को 3 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात जीके के 4 घंटे आप सुबह निकाल सकते हैं, 3 घंटे लाइब्रेरी के आप शाम को निकाल सकते हैं, टेस्ट आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे सहूलियत लगे, आप अपने जो है वो इस टाइमिंग को, इस अकॉर्डिंग 8 घंटे आप अपने 24 घंटे में से निकालिए। अब हम पार्ट मारते हैं कि डेली के जो हमारे 4 घंटे हैं, अगर 1 मार्च से हम प्रारंभ करते हैं तो 11 अप्रैल तक हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो अगेन हम तैयारी को भी 2 भाग में बांटते हैं। एक में हम डालते हैं राजस्थान जीके को और दूसरे हमें हम डालते हैं लाइब्रेरी को, ठीक है? दूसरे में हम क्या डालते हैं? लाइब्रेरी को। अब हम डेट के अकॉर्डिंग मैं आपका एक चार्ट बना देती हूँ, इस चार्ट को आप फॉलो कीजिए, इस चार्ट को कहीं कॉपी में लिखिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो ना तो आपका कोई टॉपिक रिवीजन से छूटेगा और ना ही किसी टॉपिक के अंदर ऐसा होगा कि आपके लिए वो टॉपिक एग्जाम में अननोन रहे। क्यों? क्योंकि आज मैं जो बात करने वाली हूँ, मेरे पास ये आपका जो है वो सिलेबस है, 3rd ग्रेड जो RSMSSB की तरफ से दिया गया है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो आपको सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसमें बाहर की चीजें यानी कि आउटसाइड ऑफ द, जितने भी टॉपिक हमारे आउटसाइड सिलेबस के हैं, हम उनकी बात कतई नहीं करेंगे। और अभी से मैं आपको बता दूं, सिलेबस के बाहर के जो टॉपिक हैं, आपको वो टॉपिक्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि बाहर के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं तो अगर सिलेबस में नहीं है तो वो रिमूव भी होते हैं, उसको डिलीट भी किया जाता है। तो अननेसेसरी के आप अपने सिलेबस पे फोकस ना करते हुए बाहर के टॉपिक्स को पे फोकस कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल होता है। तो आप ऐसा ना करें, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना चालू करें। चलिए हम बताते हैं, हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। जीके के अंदर आते हैं तो जीके के अंदर मैंने आपके जीके को जो है 1, 2, 3, 4, 5 खंडों में विभाजित किया है। इस 5 खंड में हम आते हैं। पहला खंड है हमारा, ओके, फर्स्ट खंड है हमारा 1 से 5 मार्च तक, ठीक है? 1 से 5 मार्च तक, इस 1 से 5 मार्च के बीच में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान का इतिहास तथा स्रोत। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। तीसरा टॉपिक हम आता है, तीसरे टॉपिक पे आते हैं, प्रमुख राजवंश उनकी उपलब्धियां। नेक्स्ट चौथा आते हैं मुगल राजपूत संबंध, ठीक है? तो अगर हम ये बात करें, आपके अगर कोर्स को हम लोग देखें तो ये कोर्स में हमारे इतिहास से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि ये जो इतिहास है हमारा राजस्थान का, ये इतिहास हमारा 1 से लेके 5 मार्च के बीच 5 दिनों में हम कोशिश करें कि इसको हम वाइंड अप करने करने की कगार पे हों। 5 दिनों में अगर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आगे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन हमारे पास अच्छे से हो पाएगा। चलिए हम लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हमारा जो पहला शेड्यूल होगा वो 1 से लेके 7 मार्च तक होगा, 1 से लेकर के 7 मार्च तक होगा। और इस 1 से लेके 7 मार्च तक में आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। पहले यूनिट में
जिसमें फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है टॉपिक है, आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये आपका जो है वो पार्ट वन है, जिसमें जीके 1 से 5 तक आप जो है राजस्थान का इतिहास लेंगे। लाइब्रेरी के अंदर 1 से 7 मार्च तक आप क्या लेंगे, यूनिट फर्स्ट को लेंगे। चलिए पार्ट सेकंड में आते हैं। पार्ट सेकंड में हम आते हैं, पार्ट सेकंड होगा हमारा 6 से लेके 12 मार्च तक, ठीक है, 6 से लेकर के 12 मार्च तक होगा। इसमें हम क्या लेंगे, पहला टॉपिक लेंगे स्थिति एवं विस्तार, दूसरा टॉपिक हम लेंगे प्रमुख या मुख्य भौतिक विभाग, तीसरा टॉपिक लेंगे अपवाह तंत्र, चौथे टॉपिक पे आएंगे जलवायु मृदा तथा वनस्पति, ठीक है। ये हमारा 6 से लेकर के 12 मार्च तक जीके के अंदर हम लोग आएंगे। तो ये हम भूगोल के जो है ये टॉपिक्स पर अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल के ये आपके यूनिट्स स्थिति विस्तार, भू भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु मृदा और वनस्पति, ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी बीच में जो है आपकी होली है, होली के दिन आप होली खूब खेलिए, 10 तारीख को होली है, उस दिन मेरी राय ये है कि आप अपने पढ़ाई से बिल्कुल अलग होइए। जो भी सांस्कृतिक आपके कल्चर एक्टिविटीज है आप उसमें पार्ट लीजिए, आप होली लोगों से मिलिए, होली खेलिए, जो भी पकवान बन रहे हैं आप अच्छे से दबा करके खाइए, अच्छी नींद लेकर के सोइए, 10 को लेकिन सोइए तो 11 को उठ करके आपके ये वाले करिकुलम में आप वापिस आ जाइए। चलिए हम पार्ट बी में आते हैं, हमारे लाइब्रेरी वाले पार्ट में। ये हमारा पार्ट जो है, जो दूसरा पार्ट है, ये पार्ट हमारा रहेगा 8 से 18 मार्च तक, ठीक है। थोड़ा सा लंबा समय इसलिए दिया है क्योंकि 8 से 18 मार्च के बीच में आपको तैयार करना है कंप्लीट यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट सेकंड को जो है आपको कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। आगे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो हमारा तीसरा पार्ट है, जीके के अंदर आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, ओके, 13 से 20 मार्च तक, 13 से 20 मार्च तक हमारा तीसरा भाग होता है। इसके अंदर हम कल्चर वाले जो राजस्थान का कल्चर है वो वाले टॉपिक्स जो है वो पूरा का पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्थापत्य कला, उसकी विशेषताएं, किले, स्मारक, देन धार्मिक आंदोलन, इसी में आपके लोक देवता, लोक देव, देवियां, ये इसी में आपके आ जाएंगे। देन राजस्थानी भाषा साहित्य, मेले त्योहार आभूषण, ये कंप्लीटली जो है आपका वाद्य यंत्र, लोक संगीत, लोक नृत्य इसमें आ जाएगा। संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, पर्यटन स्थल, और लास्ट आएगा आपका प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। तो हमारे जो है वो थर्ड सेशन में आप देखेंगे तो राजस्थान के कला संस्कृति से रिलेटेड हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें स्थापत्य कला, हमारा स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं उनकी संरचनाएं,
राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवता और लोक देवियां, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां तथा हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, और लास्ट में हमारा आता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। थर्ड पार्ट हम इसमें आते हैं अपने, तो ये हमारा होता है 19 से 22 मार्च, 19 से 22 मार्च तक हम लोग जो है इसको प्रिपेयर करेंगे और इतने दिनों में हम अपने थर्ड यूनिट को तैयार करेंगे। तीसरा यूनिट पढ़ने में समझने में काफ़ी समय कम लेता है, आप अगर ढंग से वन लाइनर इसकी प्रिपेयर करते हैं तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें समय लगना चाहिए, 2 से 3 दिन में आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। आइए हम चौथे पार्ट में चलते हैं। चौथे पार्ट में जब हम जीके में जाते हैं तो जीके की बात हम करते हैं, जीके में हमें कौन से यूनिट, कौन से सेक्शंस को जो है वो लेना पड़ेगा। चौथे पार्ट में आइए, चौथा पार्ट हमारा कहता है 21 से 23 तारीख तक हमें जो है इसको समय देना है, 21 से 23 मार्च तक हमें इसको समय देना है, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, अगेन वन एवं वन्य जीव। दूसरे टॉपिक में आते हैं हम, पर्यावरणीय मुद्दे। नेक्स्ट कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, ये आपके सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं कौन सी हैं, बहुउद्देशीय यानी कि विभिन्न उद्देश्यों के ऊपर निर्धारित, परिवहन, जल संरक्षण, सिंचाई, और लास्ट हमारा आएगा खनिज संपदा, खनिज संपदा। ठीक है, तो ये हमारे जनरल जो हमारा जीके है, जीके का हमारे फोर्थ पार्ट का प्रिपरेशन है। 21 से लेके 23 मार्च के बीच हम लोग ये प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स आएंगे वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, ये मैं भूल गई लिखना, ये यहीं पे आएगा मरुस्थलीकरण, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, मरुस्थलीकरण, कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन एवं खनिज संपदा। हम आते हैं पार्ट बी में, हमारा जो फोर्थ, जो हमारी प्रिपरेशन फोर्थ लेवल की है उसके अंदर हम आते हैं। तो अगर इसमें हम आते हैं तो ये हमारा टाइम डिसाइड किया गया है 23 से 26 मार्च, 23 से 26 मार्च। ठीक है, इसमें हम क्या तैयार करेंगे, यूनिट 4। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट यूनिट 4 को जो है अपने तैयार कर लेंगे। चलिए हम आखिरी अपने जो है वो इस शेड्यूल के जो है वो आखिरी जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के आखिरी पड़ाव पे आते हैं कि सिलेबस का आखिरी पड़ाव हम कब से कब तक जो है वो रखेंगे। सिलेबस के आखिरी पड़ाव में आइए, जीके में आइए, 24 से 31 मार्च, 24 से 31 मार्च,
इनमें हम आते हैं, तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हम देख रहे हैं, राजस्थान की रियासतें, ठीक है। अगेन ये इतिहास से संबंधित प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाएंगे। ब्रिटिश संधियां, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, दूसरा है कृषक एवं जनजाति आंदोलन, उसके बाद है प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, फिर है आपका राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण, उसके बाद है राजस्थान की राजनीतिक जनगणना एवं विकास, और एक टॉपिक आपके इसमें और है महिलाओं के जनगणना एवं विकास, ये है महिलाओं के विशेष संदर्भ में, ठीक है। ये इतने टॉपिक्स हैं, इनको हमें जो है वो अपने पांचवें पड़ाव पे जीके के ऑप्शंस, जीके के हमारे जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करना है। पार्ट बी में आते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास 27 से 31 मार्च का समय है, जिसके अंदर यूनिट 5 हमें जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब मैंने जो आपको ये इतना सिलेबस जो है एलोबरेट करके, या इतना डीप स्टडीज, या इतने छोटे बोलते हैं ना विश्लेषणात्मक, ये जो आपको वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ये वर्गीकरण मैंने क्यों प्रस्तुत किया, क्योंकि मेरे हाथ में ये सिलेबस है, इस सिलेबस के किसी भी पार्ट को तैयारी के अनुसार मैंने इसमें नहीं छोड़ा। आप भी जब अपने स्ट्रेटजी बनाएं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। जब कोई टॉपिक आपके इस रिवीजन वाले सेक्शन में, या मैं बोलूं कि 42 दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अगर कोई टॉपिक मिसिंग नहीं होगा, तो रिवीजन करते टाइम आप कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको ना पढ़े हुए हो, अर्थात जिसके सामने से आप ना गुजरे हो। तो ये हमारा जो है, मैंने 1 से लेकर 31 तक आपके दोनों पार्ट्स को एक साथ चलने के लिए एक अच्छी गाइडलाइन प्रस्तुत की, जिसमें ऐसा नहीं है कि केवल लाइब्रेरी लाइब्रेरी ही आप पढ़ते रहें, केवल जीके जीके ही आप पढ़ते रहें। आप डेली के 8 घंटे निकालिए, 4 घंटे का पार्ट आप इसके लिए रखिए और 3 घंटे का पार्ट आप इसके लिए रखिए। 1 घंटा जहां से भी आप ये कोर्सेस पढ़ रहे हैं, कोई किताब है, कोई गाइड है, किसी भी कोचिंग का नोट्स है, या आपने परचेज किया है, या आप किसी कोचिंग की क्लास में जा रहे हैं, प्रेजेंटली जा रहे हैं, आप उन सबको टाई अप करके उनको कंपाइल करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहां से भी आप ये सोर्सेज ले रहे हैं पढ़ने के लिए, वहां पे बहुत सारे टेस्ट के ऑप्शंस हैं, यानी कि गाइड अगर आपके पास है तो गाइडों में क्वेश्चन आंसर्स मेंशन होते हैं। अगर आपने कोई किताब ले रखी है तो किताब के आधार पर क्वेश्चन आंसर्स की बुकलेट अलग से आती है, आप वो भी जरूर लीजिए। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग से भी क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट पेपर्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। और अगर आप अपनी खुद की जो है वो गाइडेंस से पढ़ रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका है बच्चे, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के बाद रिवीजन कीजिए, आप खुद के वन लाइनर जो है वो प्रिपेयर करते चलिए, वो आपके क्वेश्चन आंसर किसी और का आप जो सॉल्व करते हैं उससे मच 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 बेटर होगा, और जो आप अपना वन लाइनर बना रहे हैं उससे आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं स्थिरता मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा, वो आपके जहन में बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा। अब ये हमने बात की 1 से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में। आगे हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक का जो है वो समय है, उसमें हम क्या करेंगे। अब चूंकि हमने जो है सिलेबस को पूरा A to Z हर तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लिया, पूरे तरीके से उसको रिवाइज कर लिया, रिवीजन के बाद जब हम बात करते हैं 1 अप्रैल से 11 अप्रैल, हमारे पास
ग्यारह दिन हैं, इस ग्यारह दिन में हम क्या करेंगे, इस ग्यारह दिन में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम डेली डेली केवल 3 घंटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? केवल 3 घंटा अपने 24 घंटे में से निकालेंगे, एंड फुल मॉक टेस्ट जो है वो करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने जो यूनिट्स तैयार किए, जो सेक्शंस तैयार किए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने यूनिट वाइज अपनी तैयारी कर ली, अपनी प्रिपरेशन कर ली। अब पूरी तैयारी होने के बाद हमारे को एक एक टुकड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें असेंबल्ड वे में अपनी जो तैयारी है उसको जांचना है। तो अपनी तैयारी को जांचने का सबसे बेस्ट तरीका है ये फुल मॉक टेस्ट। अब ये फुल मॉक टेस्ट आप कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये आपके ऊपर चॉइस है, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट का तो मैं कह भी नहीं सकती, फुल मॉक टेस्ट कोई प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है। आपके लाइब्रेरी वाले टीचर्स जो है वो लाइब्रेरी के क्वेश्चंस ही बनाने में रह जा रहे हैं, जीके के टीचर्स का कोई कोऑर्डिनेशन उनमें है नहीं, जीके वाले केवल जीके में रह जाते हैं, लाइब्रेरी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किताबें उनकी अलग अलग होती हैं। हम जैसे लोग कोऑर्डिनेट करके एक साथ मॉक टेस्ट को कराने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराए हुए भी हैं, लेकिन जिस समय क्वालिटी टेस्ट की बात आती है और पेमेंट की बात आती है तो उस समय पे हम क्या होते हैं, गरीब हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं इन सब चीजों में नहीं उलझूंगी और ना ही फंसूंगी। ये आपका जो है फुल मॉक टेस्ट जो है आप 11 दिनों के भीतर जो है आप करेंगे, और 11 तारीख को फुल मॉक के बाद अच्छे तरीके से खाना खाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे और अच्छी नींद लेंगे, और सुबह आप पेपर देने जाएंगे। किसी भी टेंशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना लूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और एग्जाम के 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले से आप अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं, उनसे कॉन्टैक्ट खत्म कर लें तो बेहतर होगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनसे एग्जिट हो जाए या चैट को म्यूट कर दें, उससे और अच्छा बेहतर होगा। और आजकल एक नया जो है वो ट्रेंड और चला हुआ है टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़ने का, तो इन सब जगहों से अगर आप अपने को निकालने का प्रयास करें, अगर निकाल लेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, या फिर आप उनको म्यूट करके रख दीजिए जिससे आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी 100% अच्छे से होती है, लेकिन एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले हमारा कोई दोस्त बोल देता है कि अरे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं आता है, या हमारी तैयारी में हमने उस प्रश्न को प्रिपेयर नहीं किया होता है, हमारा पूरा ध्यान, पूरी रात हमारी खराब हो जाती है उस एक क्वेश्चन के पीछे। क्या होता है, एक क्वेश्चन के पीछे आप 149 जो प्रश्न आपके पास तैयार थे आप उसको बिल्कुल बलि बोलते हैं ना, उसकी बलि दे देते हैं, आप उसको स्वाहा कर जाते हैं एक प्रश्न के पीछे। फिर दूसरे दिन पता है क्या, जिस बंदे ने आपसे एक प्रश्न पूछा वो तो अपना 149 जो है वो तैयार करके जा रहा है ना अंदर, वो तो अच्छे से तैयार करके आ जाता है, लेकिन उसने क्या किया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप तो डिस्टर्ब रहे और आप अपने जो है उस एक प्रश्न में उलझे रहे, साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से जो है आप परेशान रहे। पूरी तैयारी के बावजूद आपको ये रियलाइज होने लगता है कि अरे यार ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। कई स्टूडेंट्स के अंदर मैंने फोबिया देखा हुआ है, यूनिट सेकेंड जो है वो समझ में नहीं आता है ना, कई स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा है ये फोबिया, यूनिट सेकेंड पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद जो है उनको रियलाइज होता है कि मैंने तो इसमें कुछ समझा ही नहीं। तो अगर आपको ऐसे सिचुएशन अराइज होती हुई नजर आती है कि यूनिट सेकंड के अंदर आपने कुछ भी टच नहीं किया, या आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी चारों यूनिट्स पे आप फोकस कीजिए, जीके के पूरे जितने भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना फोकस बना करके रखिए। यूनिट सेकेंड के अंदर जो कि एक प्रैक्टिकल यूनिट है उसमें आप कोशिश कीजिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा तैयार करें, प्रैक्टिकल्स में आप ना जाएं, प्रैक्टिकल के ऊपर क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, क्वेश्चन का जो प्रारूप है समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल जरूरी है, अदरवाइज जो प्रश्न होता है वो प्रश्न प्रैक्टिकल से नहीं होता है, वो एप्लीकेशन से होता है, यानी कि फैक्ट से होता है, तो आप उसको सीधा सीधा अगर रट भी लेते हैं तो वहां पे आपका वो रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा कार्य कर जाएगा और आप एग्जाम में अपने अच्छे रैंक, अच्छे स्कोर ला सकते हैं।
तो आज का जो है मेरा गुरु ज्ञान ये आप लोगों के लिए था। एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, 1 मार्च से हम टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही लेवल पे प्रारंभ करने वाले थे। ये एक पेड टेस्ट सीरीज की योजना थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, इसको बहुत पसंद किया और अपने आप को इसके लिए तैयार भी किया, लेकिन समस्या आई, समस्या पेमेंट की आई। हर स्टूडेंट मुझे कॉल करके, हर स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके भी सभी स्टूडेंट्स मुझे ये कन्वे कर रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप गरीब रहिए, आप पैसे मत दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम टेस्ट नहीं करा रहे हैं, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं पहले जैसे टेस्ट कराती आई हूँ मैं उस तरीके से टेस्ट आपको करा दूंगी। ये टेस्ट सीरीज हम अभी जो है पूरी तरीके से निरस्त करते हैं, ये टेस्ट सीरीज हम नहीं चलाएंगे। कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, टेस्ट जैसे जैसे बनता जाएगा मैं उस तरीके से आपके एप्लीकेशन पे अपलोड करती रहूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे पहले देती आई हूँ वैसे अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। लेकिन ये जो योजनाबद्ध तरीके से जो मैंने प्लानिंग करी थी, मैं टेस्ट कहीं और से बनवा रही थी, किसी और तरीके से मैं इसको आपके सामने पेश करने वाली थी, मैं ऑफलाइन भी देने वाली थी। कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी प्रैक्टिस को बहुत बुलंदियों पे ले जाने वाली थी, लेकिन ये आपका खुद का मन नहीं है, आप खुद इसके अरेंजमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। हमने अभी जो है आपके थर्ड या फोर्थ यूनिट में है, आप संसाधनों को जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। मैंने लाइब्रेरी के आपके कोर्स में देखा है, शायद रिसोर्सेज को मैनेज करने का जो है वो एक आपके पास है थर्ड यूनिट में। यस, बिल्कुल थर्ड यूनिट के अंदर है। आप जो है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज करते हैं ताकि वो विलुप्त नहीं हो, नष्ट नहीं हो, या उनका जो एक वर्चस्व है वो खत्म नहीं हो, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो, इसके लिए आप बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हुए भी जो चीज आपके काम की आप उसके लिए मैनेज कैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं आपको सिखा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये चीजें व्यवहारिक होती हैं। जब आपके व्यवहार में ही नहीं है तो मेरे सिखाने से आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता है कि 1500 रुपए से मैंने आपका जो है शायद दिल निकाल करके मांग लिया, मैंने शायद आपके गुर्दों में छन्नी कर दी, मैंने शायद आपकी आंखें मांग ली, शायद आपकी जबान मांग ली, मैंने 1500 रुपए में क्या मांग लिया मुझे नहीं पता। मैं तो उसके एवेज में आपको अच्छी प्रैक्टिस देने वाली थी, बट कोई बात नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए। आप 1500 रुपए रखिए, आराम से उसके डेटा रिचार्ज कराइए और खूब जितने वीडियोस और वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं आप वो देखिए, आप उसके खूब चैटिंग जितना ग्रुपों में चल सकते हैं आप खूब डेटा पैक रिचार्ज कराते जाइए एंड उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। डजंट मैटर, पढ़ाई के लिए हम तो बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारी आदत हो गई है फ्री के चीजों की, तो हम उसी आदतों पे कंटिन्यू रहेंगे। जितना मेरे से बन सकेगा मैं जैसे पहले फ्री टेस्ट करवा रही थी उसी तरीके से फ्री टेस्ट अवेलेबल कराऊंगी। जितने भी स्टूडेंट्स की पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू मेरे पास आ चुकी है, जैसे जैसे जिस जरिए से आई है, ऑनलाइन जैसे आई है मैं वैसे ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। ऑफलाइन जिन्होंने पेमेंट जमा कराया है वो संस्थान पर, कल तो ऑफ रहेगा, परसों वो कभी भी आकर के अपना अमाउंट लेकर के जा सकते हैं। प्रिपेयर होइए, जैसे मैंने सिस्टम आपको बताया है आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए एंड बीच बीच में मैं आती रहूंगी, हमेशा इसी तरीके के आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स मिलते रहेंगे। रणनीतियों पे हम डिस्कशन जो है वो अपना कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आप चाहे कुछ भी समझें लेकिन मेरे लिए आप मेरे ही हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे संस्थान के स्टूडेंट्स भी मेरे ही रहेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट्स भी मेरे ही रहेंगे, मेरे एप्लीकेशन से जुड़ा हर बच्चा भी मेरा ही रहेगा। जो मुझसे जुड़ा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सभी मेरे हैं, मैं सभी के ऊपर अपनी जो है वो दृष्टि बना करके रखूंगी। सो चिल कीजिए, आराम से प्रिपरेशन कीजिए, खूब हंसिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। बाय।